सो गाइज वेलकम बैक टू वंस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप पाकिस्तान 5 जॉब्स के बारे में। ठीक है, कौन सी बेस्ट जॉब्स हैं, सैलरी पैकेजेस, उनकी क्या डिमांड्स है, कैटेगरी ATC, सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पे जॉब की। तो नंबर 1 पे हमारे पास पाकिस्तानी जॉब पे आ जाती है जूनियर क्लर्क। ठीक है, जूनियर क्लर्क, इसका अगर स्केल की हम बात कर ले तो इसका स्केल होता है 10 से 11। पहले इसका 6 से 7 स्केल होता था, बट अब इसका स्केल अपग्रेड करके 10 से 12 कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो डिमांड है एजुकेशन की वो है इंटरमीडिएट, मींस के इंटर मींस के 12 क्लास पास। ठीक है, देन अगर हम बात कर लें इसकी इस सैलरी पैकेज वगैरह के बारे में, सैलरी पैकेज 30 से लेके 45 के रेंज में आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी काम है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात कर लें गाइस, तो नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में आ जाता है हमारे पास, ठीक है, आपने कंप्यूटर में ऑफिस काम करने होते, प्रेजेंटेशन, उनकी सारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में संभाल के रखना। ठीक है, एंड देन 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं सारा डाटा आपने सिक्योर रखना, एंड देन रिपोर्टिंग करना, प्रेजेंटेशन निकालना, ATC। ठीक है, और इसके लिए आपकी जो एजुकेशन की डिमांड होनी चाहिए वो है ग्रेजुएशन, और आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपके उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी पैकेज के अराउंड के, ये होती है 50 से 70 के अबव। ठीक है, और इस पर अगर स्केल की बात कर ले हम 14 से 15 16 तक भी आपको दे सकते हैं, बट अपग्रेडिंग का अमल भी इसमें होता है। कई इदारे आपको जो है प्रमोशन भी देते हैं, आपको प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जो होता है अपना नंबर 3rd पे हम बात कर लेते हैं, वो होती है गवर्नमेंट टीचर की जॉब। ठीक है, जो कि HSC होती है और SSC होती है, ETC जो मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे अगर हम बात कर लेते हैं कि HSC के लिए, तो आपके जो ना हाई एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, BA वगैरह पास। जो SSC होती है मीन्स के जूनियर वाली, और JST और HST, ठीक है, JST होती है जो, ठीक है, वो होती है जूनियर के लिए, HST होती है वो होती है सीनियर के लिए। ठीक है, उसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और JST के लिए आपको BA पास होना चाहिए। ठीक है, इंटर के बाद यानी आपके पास एटलीस्ट 2 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन हम बात कर लें उसके बाद, तो हमारे पास आ जाता है ट्यूटर। ठीक है, जो कि बच्चों को ट्यूटर करता है, इसकी जॉब की बहुत डिमांड है सरकारी फील्ड में भी, एंड देन ATC वगैरह में। अगर नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं, नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है एक कॉल ऑपरेटर, मींस के गवर्नमेंट CMH वगैरह ATC वगैरह के अंदर। ठीक है, कॉल ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, कॉल ऑपरेटर का ये काम होता है कि वो आपको ही जो है ना कॉल्स को आगे ट्रांसफ़र करता है, सारा पूरे एक इदारे का काम जो है ना मेंशन करता है, उसके पास सारे नंबर होते हैं। देन उसका स्केल छोटा होता है, स्केल 11 से 12 होता है, सैलरी पैकेज भी ये 25 से 30 के अराउंड होता है, और होती उसकी गवर्नमेंट जॉब है। सो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन और वीडियो के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।